हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम ग्रीस है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीस इंडियन ब्लॉग्स। आज मैं आपको नई जगहों पे ले जाऊंगा और ये बिल्कुल सीक्रेट है। सीक्रेट, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं आपको घुमाने ले चलूँगा गोड्डा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अभी बन रही है, क्या क्या चीज़ें बन चुकी है और क्या क्या चीज़ें अभी बनना बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, ताकि आपको सारा डिटेल्स आपको प्रॉपर मिले। और चलिए आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आ चुका हूँ गोड्डा रेलवे स्टेशन। देखिए, ये सामने दिख रहा है और ये इनका बोर्ड देखिए सामने लगा हुआ है। देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, इस तरह का पूरा नज़ारा है। ये ऊपर का ट्रेन है ये। ये रहा वो स्टेशन जो हाल फिलहाल में ही इधर बना हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और यहाँ से डायरेक्ट आप गुड्डा से न्यू दिल्ली के लिए जो है आप ट्रेन आपको मिलेगी। कुछ लोकल ट्रेन भी है, वो मैं आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो दिल्ली से गुड्डा के लिए और गुड्डा से दिल्ली के लिए हम सफ़र एक्सप्रेस है, जो मंडे को, हर एक मंडे को जो है ये यहाँ से खुलती है गुड्डा रेलवे स्टेशन से। मैं टाइमिंग भी बताऊंगा आपको, लिस्ट सारा डिटेल मैं आपको मेंशन कर दूंगा। देख सकते हैं, ये बिल्कुल नया स्टेशन है। ये देखिए, पूरा ओवरव्यू देख लीजिए और नज़ारा इनका चारों तरफ का देख लीजिए। यहाँ पे कैसा माहौल है देख सकते हैं दोस्तों, कितना जो है ये शहर से बाहर है और बिल्कुल जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति के बीच में ये जो है ये स्टेशन बसा हुआ है। और देखने में आपको बहुत ही सुंदर होगा, सुंदर लग रहा है। और आप यहाँ पे शांति का माहौल है। देखिए, चारों तरफ का मैं ओवरव्यू आपको जो है दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ लोग जो है आए हुए टिकट कराने के लिए, जो वेट कर रहे हैं। स्टेशन के अंदर का नज़ारा देखिए, दीवार में जो है ये देखिए चित्र बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत चित्र है। ये देख सकते हैं दीवार के अंदर जो है, ये हमारे झारखंड के परंपरा को दर्शाया गया है। देख सकते हैं, ये ऊपर ये स्टेशन जाने का ये रास्ता आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे टिकट बुक करते हैं। इसमें चार काउंटर है, 1, 2, 3 और ये देखिए 4। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 काउंटर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी गाड़ी कहाँ के लिए खुलती है। ये जो है अब ये स्टेशन जाने का जो है रास्ता है, देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से सजाया गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये इनका कमरा वगैरह है, बिल्कुल
अच्छी तरीके से है। ये वो स्टेशन है, ऊपर का नज़ारा जो है, ये वो सीढ़ी है जिससे ऊपर जाते हैं स्टेशन की तरफ। दोस्तों चलते हैं स्टेशन की तरफ। देखिए ये वो स्टेशन है, अब स्टेशन की तरफ ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से दिखाते हैं सारा ओवरव्यू जो है, यहाँ से कैसा लुक आ रहा है। तो चलिए अब ऊपर आ गए हैं। बस देखिए ये स्टेशन है, दो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 दो है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। और ये सेक्रेट देखिए ये जो है टनल है, यहाँ से हम लोग जो है स्टेशन से ये नीचे की तरफ यहाँ से जा सकते हैं। देखिए जो है ये है पूरा ओवरव्यू, देखिए यहाँ से कैसा नज़ारा आ रहा है आपको। देखिए कुछ लोग घूम रहे हैं, देखिए पूरा ओवरव्यू देख लीजिए। अभी तो गाड़ी का समय नहीं है इसलिए कोई भी ट्रेन अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो साफ साफ देख सकते हैं दो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2। आप भी आइए यहाँ पे आके देख सकते हैं और सफ़र एक बार ज़रूर कीजिए। ये पूरा देखिए व्यवस्थित तरीके से जो है लगाया गया है, बनाया गया है। ये बोर्ड लगा हुआ है स्टेशन का और देखते हैं अब हमारा यात्रियों के लिए सुविधा के लिए नल में पानी है या नहीं है। बिल्कुल आ रही है पानी, देख सकते हैं आप पानी आ रही है, आप यूज कर सकते हैं, पानी के व्यर्थ नहीं यूज करें, ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पे ये पूरा ओवरव्यू चाहिए स्टेशन से, मैं ऊपर से नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार देखिए यहाँ पे शांति का माहौल है। और देखिए दूर दूर तक कहीं भी जो है आपको घर नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये ऊपर में है ये। और बिल्कुल जो है ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, हमारा इस रेलवे स्टेशन शहरवासियों के लिए बहुत ही वरदान साबित हो रही है। और यहाँ से जो है कम पैसे में यात्रा जो है कर रहे हैं, बस से काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादातर यात्री जो है अब आने जाने के लिए जो है ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेन में टिकट ज़रूर लें, विदाउट टिकट जो है इलीगल है, इसलिए आप जो है ट्रेन में सफ़र करें तो टिकट ज़रूर कटाएं। ये देखिए पूरा ओवरव्यू आप चेक देख सकते हैं, दो स्टेशन है, 1 और 2 रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वो 2 है, 1 और 2। देखिए ये पेयजल है, अभी तो ट्रेन का कोई टाइमिंग नहीं है दोस्तों, सुबह के देखिए कितने बज रहे हैं, 7 हो रहा है और 57 हो रहा है, यानी कि 7:57 हो रहा है, अब ये 58 हो गया, आप साफ साफ देख सकते हैं घड़ी में, बिल्कुल जो है ये देखिए 7:58 हो रहा है सुबह के जिस समय ये ब्लॉग बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों कुछ जो है वर्कर्स जो है इस तरीके से रेलवे में काम कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो है ये ट्रॉली है जिसपे जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मदद करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सायरन लगाया गया है इन्फॉर्मेशन के लिए, ये सिस्टम है। और भी देखिए चीज़ें क्या क्या मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ,
आप देख सकते हैं यहाँ पे यात्री के लिए बैठने के लिए सीट है। यहाँ पे आप बैठ के जो है ट्रेन का जो है बिल्कुल इंतज़ार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं एक डस्टबिन भी है। आप इनका इस्तेमाल जो है वेस्ट चीज़ को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे डस्टबिन है लेकिन बोतल जो है बाहर पड़ी हुई है। चलिए मैं इसको डस्टबिन में मैं डाल देता हूँ। ये दोस्तों मैंने डस्टबिन में मैंने इनको डाल दिया। बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए हमारा जो है स्टेशन। जो भी खाएं पिए और जो भी वेस्टेज है उनको प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में ज़रूर डालें ताकि हमारा स्टेशन जो है बिल्कुल साफ़ रहे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये स्टेशन से ऊपर का नज़ारा है, आप बिल्कुल जो है यहाँ से देख सकते हैं क्या गजब का लुक है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टाफ है उनके रहने के लिए व्यवस्थित तरीका बनाया गया है, यहाँ पे रहते हैं। और दूसरा एक जो है और है वो सामने आपको दिख रहा होगा कैमरे में, वो दूसरा है और एक स्टेशन के नज़दीक ये वाला है। स्टेशन से बाहर निकलने के लिए ये भी एक जो है रास्ता है, ये टनल है। आप जो है कोई भारी सामान है तो सीढ़ियों से आप नहीं ले जा सकते, प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो है ये टनल बनाया गया है जिस पे आप आसानी से जो है जो भारी सामान है इस पे जो है आप इनका इस्तेमाल करके आप आसानी से जो है स्टेशन से नीचे की तरफ आ सकते हैं। एक तरफ बिल्कुल ये जो है प्लेन बनाया गया है, आप आसानी से जो है अगर व्हील का यूज करके या फिर सामान का ट्रॉली जैसे है आप उनको खींचते हुए जो है स्टेशन से बाहर आप आसानी से ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जो है इस तरीके का जो है, ये देखिए ऊपर से ये कंस्ट्रक्शन इस तरीके का है और ये है आपका ये टनल है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको जो है पूरा डिटेल में। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी जो है हमारी परंपरा को दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल चित्र देख सकते हैं, ये वेलकम की पोजीशन में है, ये आप देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। दोस्तों ये जो है एक जो है इस तरफ जो है ऊपर की तरफ जाता है जो सीढ़ियों का रास्ता है, और ये भी इधर भी इधर से भी जा सकते हैं, और दूसरा एक ये रास्ता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जो है दर्शाया गया है चित्र को, आप देख सकते हैं। और एक ये है इधर से भी, और यहाँ पे भी देखिएगा चित्र है। चलिए देखते हैं अब आगे। एक तो आप ये सीढ़ियों का रास्ता है जिससे स्टेशन से ऊपर जा सकते हैं, और एक जो है ये दूसरा रास्ता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ये टनल है। एक देखिए दूसरा, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस तरफ से जा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक पे जा सकते हैं और इनसे प्लेटफॉर्म संख्या दो पे। ठीक है, ये सीढ़ियों का रास्ता है और ये फिर आपका जो है इस तरह का रास्ता है। ठीक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्लेटफॉर्म संख्या दो पे चलते हैं और दिखाते हैं इधर से आपका नज़ारा जो है कैसा है। ये देखिए मैं सीढ़ियों के रास्ते से मैं जा रहा हूँ ऊपर, और आगे ऊपर से देखते हैं और कैसा व्यू आ रहा है, कैसा यहाँ पे लुक आ रहा है। तो देखिए फाइनली हम पहुँच गए दोस्तों यहाँ पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है
ये प्लेटफॉर्म संख्या हम 2 पे आ गए हैं, और इधर से इसका देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क अभी चल रहा है, इसलिए देख सकते हैं। ये अभी इस रास्ते से मैं आया हुआ हूँ अभी। पे है दोस्तों, जहाँ से आप ये जो है पूरा ओवरव्यू जो है आप देख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल देख सकते हैं स्टेशन पे अभी कोई नहीं है, और इधर देखिए दूसरी तरफ जो है इधर कंस्ट्रक्शन का जो है वर्क अभी ये चल रहा है। देखिए अभी इधर निर्माण हो रहा है अभी कुछ चीज़ों का, ठीक है। ये है नीचे जाने का रास्ता है ये। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इधर, आप देख देख सकते हैं किस तरह का ये व्यू है, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये प्रकृति के बीच में जो है बिल्कुल बसा हुआ है। और आप भी आइए यहाँ पे, आनंद लीजिए, घूमिए, और देखिए अपने शहरवासियों के लिए जो है क्या चीज़ें हैं। चलते हैं, ये 2 प्लेटफॉर्म हैं देख सकते हैं यहाँ पे। से हम इधर बाहर आ गए हैं, ये टनल से बाहर आ गए हैं, यही वो टनल है देख सकते हैं आप। इसके अंदर से आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दीवार में जो है इस प्रकार का चित्र जो है देखिए हमारी परंपरा को दर्शाया गया है। दूसरी तरफ इधर भी है, ये देखिए थोड़ा पास होके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये बाहर का नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल दूर दूर तक कोई भी जो है आपको जो है घर दिखाई नहीं देगा, ये बिल्कुल शहर से ये हट के है। और यहाँ पे देखिए जो है लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, ये पीछे तरफ से है, ये देखिए ये इधर से देखिए ये नज़ारा है, बिल्कुल देख सकते हैं आप इस तरह का लुक है। और अंत में दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा इन्फॉर्मेशन रहा हमारा, क्या आपने चीज़ें देखी, ये कमेंट माध्यम के से ज़रूर बताइएगा, कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और भी नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, नए नए आसपास के क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट माध्यम से मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर टाइम में आपको मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।